संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होता है जीत उतनी ही बड़ी होती है। दिन में आप स्वयं से एक बार बात जरूर करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने के मौके छूट जाएंगे। आकांक्षा अज्ञानता और असमानता या बंधन की त्रिमूर्ति है। मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग चाहे अच्छा हो या बुरा, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व हो, ना सही शरीर हो। तुम तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर है, अगर नहीं बढ़ सकते तो अपने हाथ जोड़े अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए असंभव है, ऐसा सोचना सबसे बड़ा विदर्भ है। अगर कोई बात है डुबोई यही है, गहना तुम निर्बल हो या अन्य निर्मल है, मगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अब जो है वह हमारी सोच ने बनाया है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया में किसी भी चीज़ का घमंड अस्थाई, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरे के लिए जी रहा है, बाकी सब जीवन से अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव उसमें शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहें, बुरे संस्कारों को बदलने के लिए एकमात्र समाधान यही है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन में गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है राजा, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गए, परेशान हो गए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को मरना है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति हो तो वह बता सकते हैं। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, आप जब जान पर बात आ ही गई है तो इसका एकमात्र उपाय यही